नमस्कार, वॉरजोन की लेटेस्ट अपडेट के साथ हाजिर है। आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। आपको बताएंगे आज ऑपरेशन 31 दिसंबर क्या है, क्या पुतिन की ये यूक्रेन विजय का प्लान है, रूस यूक्रेन जंग के बीच एक चौंकाने वाला दावा जर्मनी की मीडिया ने किया है, क्या नाटो यूक्रेन को दी जाने वाली मदद से हाथ खींच रहा है, क्रीमिया पर यूक्रेन के लगातार हमले से नाटो और अमेरिका क्यों परेशान है, यूक्रेन को क्रीमिया पर रूसी जहाजों और ठिकानों पर हमले से कौन रोक रहा है। वहीं दूसरी तरफ रूस का ऑपरेशन 31 दिसंबर को लेकर भी यूक्रेन से लेकर नाटो तक में बेचैनी है। यूक्रेन के मरिंका में कब्जे के बाद से ही रूस के प्लान 31 दिसंबर को लेकर दुनिया भर में चर्चा है। क्या रूस अब यूक्रेन में और लंबा जंग लड़ने के मूड में नहीं है, क्या यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जे के लिए रूस अब कोई बड़ा और विनाशक हमले की तैयारी कर रहा है। लेकिन इन सब आशंकाओं के बीच बड़ा सवाल नाटो को लेकर किए जा रहे दावों का है। इसी से जुड़ी बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन वॉर में उतरा सीरियस ड्रोन, रूस का टोही और स्ट्राइक ड्रोन है सीरियस। अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन को टक्कर देने आया रूसी ड्रोन, यूक्रेन पर हमले में बेहद कारगर है ये रूसी ड्रोन। तो कौन सा ये रूसी ड्रोन है जो ब्रह्मास्त्र के रूप में सामने आया है, अब हम उसके बारे में आपको जानकारी देंगे, जिसे सीरियस ड्रोन कहा जा रहा है। किस तरह है कि ये रूस का टोही और स्ट्राइक ड्रोन है क्या, टर्बो प्रॉप इंजन इस पे लगा है, 20 घंटे इसकी उड़ान रहती है, 7000 मीटर इसकी ऊंचाई है, इसके अलावा 180 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है, 3000 किलोमीटर रेंज इसकी बताई जाती है। अब खासियत भी जान लीजिए, सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम से ये लेस है, तो इसे बताया जा रहा है सीरियस UCAV। अब हम आपको बताते हैं MQ-9 रीपर सीरियस UCAV, अमेरिका का टोही और स्ट्राइक ड्रोन, रूस का टोही और स्ट्राइक ड्रोन। ये देखिए कंपैरिजन हम आपको बता रहे हैं किस तरह से। MQ-9 रीपर का अगर आप देखें तो रेंज इसकी 2100 किलोमीटर है, तो जो सीरियस ड्रोन है वो 3000 किलोमीटर की रेंज इसकी है, स्पीड 482 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी दोगुनी से ज़्यादा। ऊंचाई जो इसकी बताई जा रही है वो 12000 मीटर की है MQ-9 रीपर की, तो ऊंचाई इसकी 7000 मीटर की है। लेकिन इन ड्रोन के सहारे एक बड़ी प्लानिंग रचने की कोशिश हो रही है, तो ये तुलना हम आपको दिखा रहे हैं MQ-9 रीपर और सीरियस UCAV के बीच। रूसी सैनिकों के हाथों में अमेरिका के हथियार हैं और उन्हीं हथियारों के जरिए यूक्रेनी सेना पर प्रहार भी हो रहा है। जी हाँ, ये सुनकर आप भी चौंक सकते हैं, लेकिन ये 100% सच है। यूक्रेन के खिलाफ रूसी सेना के जवान मेड इन अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। पुतिन की शिकारी ब्रिगेड घात लगाकर यूक्रेनी सैनिकों का शिकार, वो भी रूसी नहीं बल्कि अमेरिकी हथियार से। जी हां, यूक्रेन के बैटल ग्राउंड में रूस की सेना एक ऐसे हथियार का इस्तेमाल कर रही है जिसके एक हमले से ही यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो रही है। आपको बता दें कि बड़े ही शातिराना अंदाज में रूसी सेना के जवान स्नाइपर राइफल का इस्तेमाल कर रहे हैं, बिना किसी को नजर आए छिपकर यूक्रेनी सैनिकों पर वार कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि रूसी सेना के जवान जिस स्नाइपर राइफल से वॉर जोन में चुन चुन कर यूक्रेनी सैनिकों को मौत बांट रहे हैं, असल में वो स्नाइपर राइफल मेड इन US है, अमेरिकी इक्विपमेंट के जरिए तैयार की गई है। जी हाँ, रूस ने करीब $200 मिलियन की सैन्य डील की जिसमें अमेरिका से स्नाइपर राइफल के उपकरण मंगाए। डील के तहत US से राइफल के स्कॉप भी मंगाए गए। बेहद ही शातिराना अंदाज में रूसी डिफेंस ने साल 2022-23 में एक ऐसी अमेरिकी कंपनी से सौदा किया जो शिकार के लिए स्नाइपर हथियारों के उपकरण बेचती है, और उसी कंपनी के जरिए रूस ने पेंटागन को भनक लगे बिना दुनिया की सबसे घातक स्नाइपर राइफल से जुड़े उपकरण अमेरिका से आयात कर लिए। दावा किया जा रहा है कि बीते एक साल से रूसी सेना मेड इन US स्नाइपर राइफल से यूक्रेनी सैनिकों का ही शिकार कर रही है।
बस फिर क्या। इस खुलासे के बाद बाइडेन सरकार पर सवाल उठ रहे हैं, वो ये आखिर कैसे अमेरिकी राइफल रूस पहुंची, कैसे उससे जुड़े उपकरण रूसी डिफेंस को बेचे गए। कुछ एक्सपर्ट्स का दावा है कि रूस ने ईरान के नक्शे कदम पर इस सौदे को पूरा किया और वाया यूएई स्नाइपर राइफल्स की खेप रूस तक पहुंचाई गई। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 9 भारतवर्ष।